इन्होंने पूछा कि भाई अध्यादेश आप लाए थे तो बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए। मैंने देखिए इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाएं उज्ज्वलित होगी, मगर मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा 11 मई को फैसला आया और 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया गया और 19 मई को एससी को सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका तो पूरा क्यों करना पड़ा इसका मुझे जस्टिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि विरोध भी दो दर्ज हुए इसी विषय पर। परंतु मैं उनको ये कहना चाहता हूं, अरे ये एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया। उनको ये भी मालूम नहीं है कि वैकेशन बेंच होती है, वैकेशन बेंच होती है, और वैकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश महोदय खंडपीठ भी बना सकते हैं, संविधानिक खंडपीठ भी बना सकते हैं और स्थगन आदेश दे सकते हैं। वैकेशन के बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस आ गया, वैकेशन के बाद चैलेंज किया, चैलेंज कर स्थगन आदेश मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है। मैं तो बिल लेकर आया हूं, अब ये क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है बताइए। मगर यहां चर्चा कर एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे, भैया अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए। इसलिए मान्यवर ये जल्दी करनी पड़ी। मान्यवर मैं आगे बताता हूं कि जल्दी क्यों करनी पड़ी। मान्यवर अब मेरे पास भी एक टर्मिनोलॉजी है, जरा उसको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर 11/5/23 को ये अध्यादेश आया और ये फैसला है, फैसला लगभग लगभग 3-4 बजे के आसपास घोषित हुआ। उसके बाद में 5:30 बजे फैसला क्या था मान्यवर, फैसला तो ये था कि संवैधानिक खंडपीठ ने फाइंडिंग दिया है, ये रेगुलर बेंच के सामने जाएगा, रेगुलर बेंच हियरिंग करेगी और बाद में इसका आदेश पारित करेगी, तब जाकर फैसला लागू होगा। फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं मैं बताता हूं श्रीमान राघव चड्ढा जी, जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ था, एक नीति विषय फैसला लिया जो दो जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके सचिव सेवाओं के, मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया था, ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ, दो जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया, सोशल मीडिया में घोषणा कर दी, अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया है, सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर। और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं, इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, किसके साथ में खड़े रहे हो, जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भाई। मान्यवर इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने आदेश दे दिया 13 तारीख को कि मैनुअल के पैरा 2.22 के उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेटअप के कार्यबल सीवीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए ये कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, अभी तो संवैधानिक खंडपीठ ने
खंडपीठ को आदेश भेजा है, इंटरप्रिटेशन भेजा है, इस पर खंडपीठ ने, दो जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी है और फिर जजमेंट देना है। यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, मगर विश्व में कोई भी, विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया, ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया, ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी, इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेरा फेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर, मान्यवर केशव राव जी कहते थे हम तो ना इनके साथ है ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ाव है ना उनसे जुड़ाव है, बीआरएस वालों का भी इस शराब घोटाले के साथ, आप पार्टी के साथ जुड़ाव है, इसीलिए आप वहाँ बैठे हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।